उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट एज इन कि जो टेक्स्ट आप सर्च करना चाह रहे हो, किस टेक्स्ट के बेस के ऊपर जो है आप अपनी वीडियो जनरेट करना चाह रहे हो। बहुत ही एप्ट वीडियो जनरेट करिए, इसमें स्पाइडरमैन भी है और वो सब भी कर रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करने वाले हैं यूजिंग ए प्री ट्रेंड एआई मॉडल फ्रॉम हगिंग फेस। सो हगिंग फेस का यूज करके हमने अपनी लास्ट वीडियो में हगिंग फेस के एक प्री ट्रेंड मॉडल का यूज करके हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर बनाया था। बेसिकली आप कुछ टेक्स्ट देंगे और वो आपके लिए वैसे ही इमेज जनरेट करके दे देगा। AI is really powerful, so this is one of those exercises. आज की वीडियो हम टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करेंगे। सो बेसिकली हम कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट देंगे और उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल जो है मुझे वीडियो जनरेट करके देगा। सो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए अगेन मैं गूगल कोलैब का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसको रन करने के लिए आपको जो है GPU अनेबल्ड एनवायरमेंट चाहिए, जो कि मेरी लोकल मशीन नहीं है। सो इसलिए मैं गूगल कोलैब का रन टाइम एनवायरमेंट जो है GPU वाला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ चेंज रन टाइम टाइप, और हेयर यू कैन सी दिस इज GPU अनेबल्ड एनवायरमेंट। सो तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको कोड का वॉक थ्रू करवाऊंगा एंड उसके बाद जो है मैं आपको इसका कुछ डेमो रिजल्ट्स दूंगा कि ये कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। और अगेन इस पूरे कोड का जो है मेरे गिटहब पे वो होस्टेड है, मैं उसका लिंक भी जो अपनी वीडियो में ड्रॉप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, आप इसको जाके रेफर कर सकते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एज यू कैन सी पहली लाइन ऑफ कोड में मैंने जो है रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को जो है इंस्टॉल किया है यूजिंग PIP। सो डिफ्यूजर्स, ट्रांसफॉर्मर और एक्सेलरेट, मुझे ये तीन डिपेंडेंसीज चाहिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी बेसिकली इंस्टॉल कर लिया है। सो ये लाइन ऑफ कोड मैं अगेन दोबारा से रनिंग करने वाला हूँ बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग। सो उसके बाद सिर्फ इस सेल में जितना कोड है इससे ही हमारा जो है सारा काम हो जाएगा। इसमें मैं वन बाय वन आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज या रिक्वायर्ड क्लासेस को जो है मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे टॉर्च की जरूरत है, डिफ्यूजर की जरूरत है और एक्सपोर्ट वीडियो की जरूरत है। ये मैंने सारे इंपोर्ट कर लिए हैं, उससे पहले मैंने इनको इंस्टॉल कर लिया था। अब इंपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मैं पाइपलाइन को लोड करने के लिए इस डिफ्यूजन पाइपलाइन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड मेथड का यूज करूंगा और यहाँ पे जो है मैं अपने मॉडल का नेम पास करूंगा। नाउ मॉडल का नेम मुझे कहाँ से मिला? मुझे यहाँ से मिला, हगिंग फेस के पेज से, हगिंग फेस की वेबसाइट से। हियर यू कैन सी की डेमो वी लीप वी लैब टेक्स्ट टू वीडियो एंड 1.7B। 1.7B सिग्निफाइज की कितने पैरामीटर्स के साथ इसकी जो है ट्रेनिंग हुई है। सो ये मेरे मॉडल का नेम है बेसिकली, और ये मेरे रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने पास करी है, जो कि रेगुलर है, वेरियंट कौन सा है एंड ब्ला ब्ला। सो इट्स समथिंग लाइक कि आपको एक कंस्ट्रक्टर यूज करना है, उसको यूज करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू पास करनी है। सो आप अकॉर्डिंगली परमिसेबल वैल्यूज को जो है इसमें पास करेंगे। यहाँ पे मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट मिलने के बाद जो है ये पाइप डॉट शेड्यूलर का यूज किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस को बेसिकली इन फॉर्म ऑफ शेड्यूलर बेसिकली ये जॉब चलेगी। उसके बाद क्या है कि अपनी, क्योंकि ये हैवी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, GPU मेमोरी, सो उसके लिए जो है बेसिकली GPU मेमोरीज के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए दो मेथड का यूज किया गया है। एक तो ये है कि अनेबल मॉडल CPU ऑफलोड, दैट मींस कि ये मेथड आपको किस में हेल्प करेगा, CPU का कोई अन बेसिकली CPU के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है जो कि हैवी मेमोरी को यूज कर रहा है, या वो आइडल पड़ा है, वहां से उन प्रोसेसेस से ये मेमोरी को फ्री करवा देगा। सो बेसिकली ताकि मैक्सिमम ऑफ मेमोरी इज अवेलेबल टू योर GPU। उसके बाद ये दिस इज यूज्ड VAE स्लाइसिंग, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर जनरेटिंग लॉन्ग वीडियोस। सो बेसिकली इसकी हेल्प से अदरवाइज अगर आप इसको कमेंट करके चलाएंगे तो आपकी वीडियो 2, 3, 4 सेकेंड की जनरेट होगी, लेकिन इसके साथ जो है आपकी वीडियो 10-15 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स की भी जनरेट हो सकती है।
उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट एज इन की जो टेक्स्ट आप सर्च करना चाह रहे हो, किस टेक्स्ट के बेस के ऊपर जो है आप अपनी वीडियो जनरेट करना चाह रहे हो। उसके बाद ये वैल्यूज इसके अंदर पास करी गई हैं पाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि हमने ऊपर बनाया था। पाइप का ऑब्जेक्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके अंदर मैंने ये वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ और इस मॉडल को ये सारी वैल्यूज जा रही है। सो इट्स ए काइंड ऑफ रैपर दैट हैव बीन रिटन ओवर दिस टू यूज दिस मॉडल बेसिकली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फरेंस स्टेप्स, बेसिकली आप कितने स्टेप्स चाहते हैं अपने वीडियो फ्रेम्स जनरेट करने के प्रोसेस में, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स आप जनरेट करना चाह रहे हैं पर सेकेंड, एंड यहाँ से फिर मुझे वीडियो फ्रेम्स मिल जाएंगे। वीडियो फ्रेम्स, इन सारे वीडियो फ्रेम्स को जो हमें अपनी एक्सपोर्ट टू वीडियो जो एक मेथड है यहाँ पे, इसमें इसके इसके अंदर पास कर दूंगा और यहाँ पे फिर यहाँ से मुझे जो है इस वीडियो का पाथ मिलेगा। ठीक है, वीडियो का पाथ मिलने के बाद जो है क्योंकि मैं गूगल कोलैब का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस मशीन की स्टोरेज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे इस पाथ को प्रिंट करवा रहा हूँ और हेयर यू कैन सी मुझे यहाँ पे एक वीडियो जनरेट करके देगा। और फिर इस वीडियो को जो जनरेट हुई है उसको डाउनलोड करने के लिए मैं गूगल कोलैब की एपीआई का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रॉम गूगल कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स एंड फाइल्स डॉट डाउनलोड द वीडियो पाथ, जो वीडियो पाथ ऊपर जनरेट हुआ। तो चलिए मैं अभी आपको ये एक कोड चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ स्पाइडरमैन इज सर्फिंग, तो बेसिकली मैं एक ऐसी वीडियो जनरेट करना चाह रहा हूँ कि जिसमें स्पाइडरमैन सर्फ कर रहा है। सो ये कुछ सेकेंड का टाइम ले सकता है, टिल द टाइम वी कैन वेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने रिक्वायर्ड जो है डिपेंडेंसीज को डाउनलोड किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रोग्रेस बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25, 1 out of 25, विच मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स विच आई स्पेसिफाइड हेयर, जो कि मेरे 25 स्टेप्स थे, 25 स्टेप्स। सो यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार दिखा रहा है मुझे, जैसे 2 of 25 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तो ये 25 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो है मेरी वीडियो जो है जनरेट हो जाएगी, उसको फिर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। सो वीडियो जनरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं अगर चेक करूँ तो ये मेरा एक वीडियो का पाथ देगा, ये देखिए ये एक मेरी वीडियो का पाथ दिया है इसने। अब क्योंकि ये गूगल कोलैब की मशीन के ऊपर है, मतलब जिस रन टाइम से मेरा ये गूगल कोलैब कनेक्टेड है उस मशीन के ऊपर होस्टेड है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए मैं यूज करूंगा फ्रॉम गूगल कोलैब इंपोर्ट फाइल्स और यहाँ से फाइल्स डॉट डाउनलोड, और जो वीडियो का पाथ जो ऊपर जनरेट हुआ है मैं वो पाथ देके यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। तो आप देखिए यहाँ से ये जो वीडियो जनरेट हुई है उसको डाउनलोड कर रहा है। एक बार ये वीडियो डाउनलोड होती है उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसी वीडियो जनरेट करी है इसने। तो यहाँ पे वीडियो जनरेट हो गई है, वीडियो डाउनलोड हो गई है। अब मैंने इसको डाउनलोड किया है और आप देख सकते हैं कि ये इसने 20-25 सेकेंड के आसपास की वीडियो जो है जनरेट करी है। सो 16 and 9, 25 सेकेंड की वीडियो इसने जनरेट करी है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही एप्ट वीडियो जनरेट करी है। इसमें स्पाइडरमैन भी है और वो सब भी कर रहा है। एनीवे आप इसी तरीके से जो है इस मॉडल को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, इसकी एप्लीकेशंस आप अपने लिए बना सकते हैं मशीन एज ए मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, या आप इसको कॉलेज में यूज कर सकते हैं, या आप अपने ऑफिस में भी, अगर लेट से एक यूज केस मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे हमारे कॉरपोरेट में जो बेसिकली जो ट्रेनिंग्स जनरेट होती हैं, जो बेसिकली ट्रेनिंग्स जो ट्रेनिंग वीडियोस जो होती हैं उनको जनरेट करने के लिए हम इस टाइप के मॉडल का यूज कर सकते हैं। बेसिकली जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट देंगे और अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को समझ के मॉडल आपके लिए जो है वीडियो जनरेट करके दे देगा। और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे पैसे बचा सकते। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।